रहने दीजिए पापा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। गुस्सा नहीं होंगे? आपसे किसने कहा था हमारे लिए लैपटॉप लाने को? अरे नील भैया को कब से बाइक चाहिए थी, आपने देखा ना उनका चेहरा कैसे उतर गया, और मम्मी को भी कितना बुरा लग रहा था। अब ऊपर से उन्हें बुआ और दादी दोनों के ताने सुनने पड़ेंगे। पापा सब वेट कर रहे थे कि आप मामा भर में क्या लेकर आएंगे, पर आप। दादी ना सही कहती है, ना हम पढ़ाई में इतने अच्छे होते और ना ही। पापा हमें पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य अच्छा और हमारे सपने पूरे हो जाए, है ना? पर पापा हमारी बात सुनिए, आपको हमारे पर इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारी वजह से घर के इतने सारे लोगों का दिल टूट जाता है। आप ही ने कहा था ना कि अब्दुल कलाम इतने गरीब थे कि वो सड़क के लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। अगर वो अपनी लगन से इतने बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बोलिए। चलिए अब इतना मुंह मत लटकाइए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे हम भी कितने पागल हैं, हमारे पापा हमारे लिए लैपटॉप लेकर आए, ये तो अच्छी बात हुई ना। वैसे भी हमें कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिस करनी थी। पापा अगर हम 10th में टॉप कर सकते हैं तो इंटर में तो कर ही लेंगे। देखना इस बार भी ना हमारी फोटो ना अखबार में छपेगी, और अब गुप्ता जी के यहाँ से जलेबियां लेके आएंगे और पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चलिए अब मुस्कुराइए। अरे एक बार प्लीज हमारे लिए।